वेलकम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। सबसे पहले व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई, आई रीड आउट द डेफिनेशन फॉर यू। व्हाट इज एन इंडिविजुअल सप्लाई, ध्यान से सुनो। द क्वांटिटी या द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल सेलर और एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इज रेडी टू ऑफर एट अ गिवन पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सप्लाई। मतलब अगेन आई एम सेइंग द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी जो एक सिंगल प्रोड्यूसर और एक सिंगल सेलर वो रेडी है ऑफर करने को, इज रेडी टू ऑफर एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये मेरे दोनों फिंगर्स को देखना, ये दोनों फिंगर्स क्या दर्शाती है, व्हाट डू दे इम्प्लाई, दैट सप्लाई की जब बात होती है सप्लाई इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। आई जस्ट कैन नॉट से मैं इतना इतना सप्लाई कर रहा हूँ, इसके लिए दोनों फिंगर जरूरी है इस प्राइस में और इस पीरियड में। लाइक मैं सप्लाई क्या कर रहा हूँ, 1000 क्वांटिटीज, लेकिन एट व्हाट प्राइस, एट 500 रुपीज। हो सकता है अगर मुझे 800 रुपए मिल रहा है तो मैं 2000 क्वांटिटी सप्लाई करूँ, राइट। तो प्राइस डिटरमाइन करता है मैं कितना सप्लाई करूँगा एंड टाइम, क्योंकि मेरे एक महीने का सप्लाई अलग है, तीन महीने का अलग है, छः महीने का अलग है, इसलिए मुझे प्राइस और टाइम को हमेशा उस डेफिनेशन में डालना पड़ेगा। आई रिपीट, तो व्हाट इज एन इंडिविजुअल सप्लाई, द क्वांटिटीज ऑफ अ कॉमोडिटी विच एन इंडिविजुअल, आई रिपीट, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और सेलर इज रेडी टू ऑफर एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सिंपल, ये हो गया तुम्हारा इंडिविजुअल सप्लाई। अब आता है इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। व्हाट इज द इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, सिंपल है, एक टेबल बनाऊँ, दो कॉलम बनाऊँ, राइट। पहले कॉलम में आप क्या लिखोगे, प्राइस 100 to 500, 100, 200, 300, 500 तक प्राइस बढ़ती जा रही है, तो क्वांटिटी भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हायर द प्राइस मोर द क्वांटिटी सप्लाई, सिंपल। तो ये क्या था, टेबल था। तो इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल को आप कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट विल यू से, कि द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब इस डेफिनेशन को बायट मत करना, ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड डाल रहा हूँ, द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद जो कुछ मैं कहने वाला हूँ वो आपने पहले भी सुना है इंडिविजुअल सप्लाई के डेफिनेशन में। देखो ध्यान से, द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, आई रिपीट, द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, आगे का सुनो अभी, शोइंग द क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी विच एन इंडिविजुअल सेलर और प्रोड्यूसर is ready to offer at a particular price at a given point of time is called individual supply schedule। तो एक ही वर्ड ऐड कर दिया मैंने स्टार्टिंग में, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, बाकी सेम टू सेम डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, इजी। नाउ लेट्स गो टू मार्केट सप्लाई। अब आप बोलोगे अरे बाप रे, अभी मार्केट सप्लाई का भी डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। सिंपल है, आपको इंडिविजुअल सप्लाई का डेफिनेशन याद है, क्या था वो, क्या था याद करो, द क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी विच एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और सेलर इज रेडी टू ऑफर और विलिंग टू ऑफर एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। वो जो इंडिविजुअल सेलर और प्रोड्यूसर वर्ड था ना, उस सिंगुलर को प्लूरल कर दो, मार्केट सप्लाई का डेफिनेशन हो जाएगा। देखना है आपको, द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी विच ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड ऑल द सेलर्स, बस यही वर्ड चेंज कर दो। इंडिविजुअल सप्लाई में क्या था, इंडिविजुअल सेलर और प्रोड्यूसर, मार्केट सप्लाई में क्या वर्ड डाल रहे हो, ऑल द सेलर्स ऑल द प्रोड्यूसर्स, एक ही वर्ड चेंज किया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपका डेफिनेशन बन गया मार्केट सप्लाई का। अब आएगा मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, मतलब उसका भी एक टेबल बनेगा। तो यही डेफिनेशन है, लेकिन स्टार्ट में कौन सा वर्ड डालोगे, येस यू गॉट इट राइट, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग द क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटीज विच ऑल द प्रोड्यूसर्स, मार्केट सप्लाई, विच ऑल द प्रोड्यूसर्स और ऑल द सेलर्स आर विलिंग टू ऑफर एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। जैसे टेबल में आप सेलर ए, सेलर बी, सेलर सी, ऐसे तीन कॉलम बनाओ और ये तीन सेलर्स अलग अलग प्राइस में कितना सप्लाई करते हैं उसका एक कॉलम बनाओ, एंड फाइनली जो टोटल रहेगा सबके क्वांटिटी सप्लाइड का टोटल, दैट इज योर मार्केट सप्लाई या मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। एंड रिमेंबर, वेदर इट इज मार्केट सप्लाई स्केड्यूल या इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, दोनों का ग्राफ डायग्राम सेम रहेगा, आई मीन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा, इट वुड बी अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि वो सप्लाई कर्व है। एम आई राइट, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। बाय बाय।